हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले एक महीने से आपको पता है काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिजी था। क्या बताएं, काफ़ी कॉल जो हैं आपको पता होगा रिसीव भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी एकदम से। क्यों, वीज़ा मलेशिया के वीज़े मेडिकल के बाद 4-5 दिन में आ गए सारे, तो सडनली मतलब मीन्स हमारे प्रिपरेशन नहीं थी कि 4-5 दिन में आ जाएंगे। हमें था कि एटलीस्ट महीना तो लग जाएगा, पर चलो अच्छी बात होती है जो भी है। तो अभी दोस्तों ऐसा है कि क्या आगे प्लानिंग है, कौन से वीज़ा आगे चलेंगे, तो थोड़ा सा आपको मैं अपडेट देना चाह रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे भी टाइम इसलिए नहीं लग पा रहा था क्योंकि हमारा जो मलेशिया के 150 लोगों का एक फर्स्ट बैच है वो इकट्ठा ही जाना है, तो उसकी फॉर्मेलिटीज बहुत होती हैं, तो वो सारी कर रहे थे अभी तक। आप सबसे बहुत बहुत सॉरी अगर आप सबकी कॉल्स ज़्यादा पिक नहीं हो पाई, क्योंकि अननोन नंबर से तो कॉल रश बहुत होता है ना, आप समझ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा, मैंने वैसे टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया लिस्ट, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप, कौन सी लिस्ट है। जैसे इस टाइप से ये वीज़ा होते हैं, ठीक है? इस टाइप से वीज़ा होते हैं, इसको कॉलिंग वीज़ा कहते हैं। वर्क परमिट होता है प्रॉपर, कोई टूरिस्ट वीज़ा नहीं, कोई कुछ नहीं है। टूरिस्ट पे कभी भी जाने की मत सोचें, जाना है घूमने के लिए इट्स ओके। अगर काम करने के लिए जाना है तो वर्क परमिट पे जाओ, अदरवाइज इंडिया बहुत अच्छा है, ठीक है? तो इस टाइप से होता है। तो ये सभी जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, ये सारे टोटल 146 या 147 टोटल एप्लीकेंट्स हैं, इनकी लिस्ट मैंने अभी आज डाल दी है ताकि आपको पता चल जाए कि 146 या 147 जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने चेन्नई कब कितने बजे पहुंचना है। अब मैं आपको इसमें बता भी देता हूँ, चेन्नई पहुंचना है 22 तारीख को। 22 तारीख को सुबह 10 बजे से पहले आप चेन्नई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है उसके पार्किंग में होने चाहिए, आप वहां पहुंचिए, ठीक है? मैं कंटिन्यू वहां पे होऊंगा, मैं वहां पे टेलीग्राम पे डालता रहूंगा अपना स्टेटस कि हाँ मैं कहाँ खड़ा हूँ, कौन से लोकेशन पे खड़ा हूँ, ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है? तो टेंशन वाली बात नहीं है, ये सारे वीजेस हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी परेशानी है तो आप ऑफिस में कॉल कर सकते हैं, अपने जो नंबर आपने ऑफिस में दिया है, ठीक है, उन्हीं नंबर से अपने जो सेव आपने नंबर सेव करवाया तो उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी वैसे क्लैरिफिकेशन देने की मैं कोशिश यहीं पे करता हूँ, ठीक है? तो ये सभी एप्लीकेंट्स हैं, टेलीग्राम पे सबका नाम डाल दिया है, जिनका हमने 22 लोगों का होल्ड करके रखा था कि आप अभी थोड़ा होल्ड कीजिए, उनका भी कंफर्म हो चुका है, वो भी साथ ही जाएंगे, उनके साथ मिला के ही 147 होते हैं। आप लोग सबके सब चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पे, जिसने पिछली रात आना है वो पिछली रात आ सकता है, जिसने सेम डे आना है 22 तारीख को पहुंचना है, वो लेट मत होना अपनी अपनी जो टिकट, कोई बाय एयर आ रहा है, कोई बाय रोड आ रहा है, कुछ जैसे भी आना है, वो आप टाइमली पहुंच जाए, एडवांस में पहुंच जाए वो ज़्यादा बेटर है, लेट मत हो। क्योंकि 3 बसेस हमने अरेंज किया वहाँ पे, तो आप सोच सकते हैं उनको भी टाइमिंग दी होती है बसेस को भी, वो बसेस हमें त्रिची लेके जाएगी, फिर वहां पे हमने अकोमोडेशन का अरेंजमेंट किया है। खाना आपका अपना होगा ऑल द टाइम, जितना भी टाइम हम वहां पे रहेंगे सब टाइम वहीं पे होगा, ठीक है? चलिए, ये तो मैंने शेड्यूल आपको पहले भी बता दिया है कि कैसे कैसे क्या है। अब ये है कि पहले हमने 125 की लिस्ट दी थी, अब जो उसमें 22 और ऐड कर दिए हमने, 21 22 और ऐड कर दिए ताकि इजी हो जाए। तो अभी इसके बाद क्या चलेगा, देखो इसके बाद जो पेंडिंग वीजाज हैं इनके जाने के बाद वो आएंगे, मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट और सेकंड वीक में आने चाहिए, ठीक है? बैलेंस वीजाज, तो बैलेंस वाले भी थोड़ा रेडी रहें उसके आसपास, 15 अगस्त के आसपास रेडी रहें कि उनका वीजा भी आ सकता है। और अभी हमारी बात चल रही है कुछ कंपनीज के साथ जो कि यही बिल्कुल कम खर्चे पे वो जो है वो करेंगे अभी, तो अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, 15 अगस्त तक ऑलमोस्ट आ जाएगा, तो उस चीज़ का वेट करिएगा, ठीक है? जो जो एप्लीकेंट्स का वीज़ा आता जाएगा वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। बाकी जो न्यू किसी ने अगर देना है, देखो कम बजट वाला जो भी है वो अभी आएगा, उसका हम कह नहीं सकते कब आएगा, बट 15 अगस्त के आसपास चांसेस हैं कि हमारे पास कोटा आ जाए या फिर उससे पहले पहले भी कोटा आ जाए। बाकी जो नॉर्मल है वो तो चला हुआ है ऑल द टाइम, वो आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल जो होता है, ठीक है, वो आप कभी भी आ सकते हैं। बाकी आप कॉल्स कर सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, कोई भी जा सकता है, सिर्फ कुछ पंजाब के एप्लीकेंट्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ कंपनीज काम लेती हैं, बट वो भी हमारी बात चल रही है, वो भी हमारी कंपनी से बात चल रही है जो कि कोई भी एप्लीकेंट्स ले लेगी, बट ऐसा होता है कि थोड़ा सा
प्रॉपर क्लैरिफिकेशन जो है कंपनी की तरफ से जब तक नहीं आता तो हम बोल नहीं सकते हैं। अभी इसमें भी हमने पंजाब के एप्लीकेंट्स काफी लिए हैं, तो देखते हैं अभी हमारी ये एप्लीकेंट अच्छा काम करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि आगे भी मिलेगा। तो इसमें सैलरी देखो, सैलरी इसमें अब जैसे सर्बिया का था, सर्बिया के बराबर या उससे ज्यादा सैलरी मलेशिया में होगी है। आप देखिए वहां पे अभी जो कंपनीज दे रही है सैलरी 300 यूरो दे रही है, वो होगा वही 26-27 हजार, 26 हजार से कम कम, और मलेशिया में 1500 रिंगेट बेसिक, मतलब 27 हजार बेसिक हो गया है, तो ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, तो यूरोप में वीजा भी बहुत लेट हो रहे हैं, बहुत डिले है, स्लो स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, इस करके हम ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान इन द सेंस कि हम नेक्स्ट बैचेस नहीं कर रहे हैं, पहले पुराने बैचेस का आ जाए वो चले जाए, उसके बाद नेक्स्ट बैचेस देखेंगे। और वैसे मेरा प्लान है सितंबर या अक्टूबर में यूरोप जाने का, जैसे जाऊंगा मैं यूरोप, पर देखेंगे अगर कुछ वहां से मिलता है थोड़ा फास्ट प्रोसेस वाला, बट मलेशिया से फास्ट प्रोसेस किसी का नहीं है। सैलरी देखो, जिन्हें काम करने के लिए जाना है, पैसे के लिए जाना है, वो मलेशिया भी जा सकता है। ठीक है, तो अभी कुछ ऐसी वैकेंसीज, बाकी टेक्सिस की वैकेंसी, दुबई की भी कुछ आ सकती हैं इन फ्यूचर, तो ये चलता रहेगा कुछ ना कुछ आगे। तो अगर आपको लगता है कि आपने जाना है तो आप हमारे ऑफिस में आ जाइए, अपने डॉक्यूमेंटेशन दे दीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं है, जस्ट डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए ताकि हमें कन्फर्म हो कि आप इस वैकेंसी के लिए आ रहे हैं। जैसे जो कम बजट वाली वैकेंसी है उसके पूरे चांसेस है कि नेक्स्ट मंथ में आएगी, तो आपको थोड़ा सा अगर उसके लिए अपने अप्लाई करना है तो टाइमली अपनी सीट रिजर्व कर लें, क्योंकि इस बार भी एप्लीकेंट बहुत ज्यादा थे और सेलेक्ट हमने वही कंपनी ने वही 288 किए उन्होंने, बट मेडिकल में काफी रिजेक्ट हो गए, इसके अलावा और चीजों में रिजेक्ट हो गए काफी, कुछ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की वजह से रिजेक्ट हो गए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वैक्सीनेशन जरूर लगाएं दोनों डोजेस, तभी आपका जो है मेडिकल होगा, अदरवाइज मेडिकल भी नहीं हो पाएगा, आप जा भी नहीं पाओगे। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और एक और चीज, बैगेज कितना होगा? बैगेज जो है वो 20 किलो प्लस 7 किलो, 20 किलो तक मैक्सिमम आप एक बड़ा बैग लेके जा सकते हैं और 7 किलो तक का आप एक पिट्ठू बैग लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो गर्म कपड़े नहीं लेके जाने हैं, नॉर्मल गर्मियों के कपड़े लेके जाने, सर्दियों के कपड़े नहीं लेके जाने हैं। वही चीजें जो मैंने पहले बताई थी कि कुछ काम के कपड़े कुछ अलग ले जाना, एक दो जोड़ी, दो तीन जोड़ी आप सिर्फ बाहर जाने के लिए लेके जाना, बाकी जो घर में पहनने के हैं वो अलग से, काम के 3-4 जोड़ी अलग से ले जाना। ठीक है, और फुल स्लीव लेके जाना, एक हैट लेके जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि फील्ड में काम करना है। बाकी अपनी मेडिसिन का एक डब्बा जरूर बना लेना, दवाइयों का डब्बा, दवाइयों के डब्बे में आपकी जो जो आपको लगता है, बुखार, जुकाम, सिर दर्द, पेट खराब होता है उसका, खांसी, ठीक है, कोई भी चीज है, इसके दो दो पत्ते आप जरूर एक बॉक्स बना लेना ताकि इंडिया से आप लेके जाना, क्योंकि वहां की मेडिसिन मैंने देखी है कि वो लाइट होती है और हम इंडियन स्वाद पड़ी होती है 500 mg की, अगर बुखार होता है 500 mg खानी, 650 mg खानी, उस टाइप से आप अपना सामान थोड़ा कर लें। बाकी वीडियो देखते रहें, धीरे धीरे और भी बताते रहेंगे, कुछ और हमारे इंफॉर्मेशन में आएगा, हमारे दिमाग में आएगा तो बता देंगे आपको। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।